वाह, ओह बहुत भारी है। हमारा चेयर आया है, चेयर। फाइनली हमारा नया गेमिंग चेयर आ गया है, जो कि है ग्रीन सोल की तरफ से। दिखाता हूँ अभी आपको, थोड़ा सा हैवी है, जो कि मैंने मंगाया है ग्रीन सोल की तरफ से। मेरा पुराना चेयर आपको दिखाता हूँ, मेरा पुराना चेयर ये है। इसकी कंडीशन देख रहे हैं, पूरा टूट गया है और यहाँ का हैंडल भी टूट गया है, नीचे से पूरा फट गया था। ये सब देख रहे हैं ना, मैंने सिलाई मार के कैसे कैसे काम चलाया है। 2 महीने हो गए मेरे ये चेयर टूटे से, अभी तो सीधा भी नहीं होता। ये देखो, ऐसा आना चाहिए था, पर ये ऐसा झुक जाता है। तो उसकी वजह से मैंने मंगाया है ये नया गेमिंग चेयर है मेरा ग्रीन सोल की तरफ से। इसको ओपन करता हूँ और देखते हैं इसमें क्या क्या है। करते हैं इसको ओपन। ये हमारा अनबॉक्सिंग टूल। तो इसको पहले मैं इधर से फाड़ता हूँ, कहीं सीट ना फटे, बस उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स होके करना पड़ेगा। अच्छी पैकिंग है, ये अंदर देख लेते हैं। ओके, ये इधर हो गया, खुल जा, ये हो गया ओपन। इसको करता हूँ सेफली पैक। चेयर मुझे 2 महीना हो गया मेरा पुराना चेयर टूटे से, मुझे चाहिए था, पर फाइनली मैंने कल इसे ऑर्डर किया है रात में करीब 11 बजे के टाइम पे, और ये मेरे को अभी सुबह 10:10 हुआ और ये मेरा चेयर मेरे पास है। ओके, ये बैक हो गया इसका। ओके, प्लास्टिक मेड है। ओके, ये ग्लव्स, वाह अच्छा है, दोनों ग्लव्स दिए हैं अच्छे से करने के लिए। ये इसका लंबर सपोर्ट जो कि मेरे कमर के नीचे आएगा, जब सीट इंस्टॉल हो जाएगी पूरा तब लगाते हैं। ये है हेडरेस्ट पिल्लो, और ये है मेन बैठने की जगह। ओके, ये इसमें हैंडल अभी भी लगा के रखे हैं। बॉक्स हटाता हूँ फिर करता हूँ इसको इंस्टॉल। ओके, ये इसका इंस्ट्रक्शन मेनू है क्या है। ओके, पहले X1, B1, C15 कुछ इस तरीके से मुझे इंस्टॉल करना है, जाके पूरा दिया हुआ है। ठीक है, एक एक करके इंस्टॉल करता हूँ। ये है इसका बेस, मुझे लगा था मेटल रहेगा पर हैवी प्लास्टिक है। ठीक है, अभी करते हैं इसको इंस्टॉल, देखते हैं जो जो बोला है उसके हिसाब से कितना टाइम लगने वाला है। व्हील को लगाना बहुत इजी है, सिर्फ आपको व्हील लेना है, इसमें लगाना रखने का और दबा देने का। ये लग गया, मैं 3 लगा चुका हूँ, और ये सेम इसको, ये भी वैसे ही जाएगा, इसमें साउंड नहीं आया। ये हो गया लास्ट वाला, ये हमारा बेस हो गया रेडी। और ये डाला इसमें शॉक ऑफ हाइड्रोलिक, सॉरी, ये स्टडी टेबल लेके आया हुआ है इनकी, ये भी मैंने निकाल लिया इसका बैक का अटैच करने के लिए। कहाँ पे होने वाला है इसको, मुझे स्क्रू से अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्क्रू है और ये साथ में मिला है मुझे, इसमें एक क्लैंकी भी है जिसको टाइट करने के लिए। हमारा चेयर का ये बेस तो टाइट हो गया है, अभी आगे का हम लोग थर्ड में जाते हैं और इसमें क्या लगाने वाले हैं। ओके, इसके हैंडल लगने वाले हैं जो कि रहे ये हमारे पास, इसको अभी टाइट करते हैं और लगाते हैं। कैसा लेफ्ट राइट कुछ है इसमें, कुछ मेंशन? ठीक है, बाकी हो गया है, अभी ये हैंडल लगाते हैं इसमें, इधर लगने वाले हैं उसके बाद। और हाँ, मेंशन है इधर लेफ्ट है उधर राइट, ऐसा मेंशन है, तो देखते हैं उसके हिसाब से हम इसको लगाते हैं। ये लेफ्ट साइड का तो लग गया है, अभी राइट साइड का लगाना है। राइट साइड का हैंडल आया है, ये लेफ्ट राइट मेंशन है तो इतना दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वॉशर पे जाना है, इसको रखना है, वॉशर लेना है और एक हल्का सा 2 थ्रेड मार के छोड़ देने का। ये मेरा हो गया फिट। अभी इधर का एक बोल्ट लगाता हूँ
और फिर इसको पलटी मार के सीधा करता हूँ। ये हो गया है फिट, अभी काम करता हूँ, मुझे इसको उस पर बेस पे रखना है, तो ये सेटअप बताता हूँ और फिर रखता हूँ। अभी इसको इसमें लगाते हैं और काम फिनिश करते हैं इसका। थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा हैवी है। ये लो जी, हमारा आधा काम हो गया, अब मैं इसके ऊपर बैठ सकता हूँ आराम से। और बाकी का बैक रेस्ट लगाने के लिए अभी भी थोड़ा सामान बाकी है, वो लगाता हूँ और फिर मेरा चेयर रेडी। चलो इसको भी फिट करते। फाइनली अपनी चेयर हो गई फिट, कुछ ऐसी दिखती है। चलो ये तो हो गया, और अभी इसके थोड़े कुशन लगाना बाकी है, लंबर सपोर्ट है वो है, और इसको ये देखना है 180 डिग्री में कितना जाती है। अरे वाह यार, मस्त आराम से सो सकते हैं यहाँ पे यार। ओके चलो इसको लाते हैं अपनी पोजीशन पे। 180 डिग्री तो नहीं मैं बोलता, पर ये जो पोजीशन है ना सबसे बेस्ट है। और ये इसके आर्म का भी, इसको भी मैं अपने साइज से अप एंड डाउन कर सकता हूँ और लेफ्ट राइट भी हो जाएंगे। ये है, चलो इसका कुशन लगाते हैं और फिर मिलते हैं आपको। फाइनली हो गई अपनी चेयर इंस्टॉल, अभी क्या मज़ा आ रहा है। वो टूटी हुई थी तो वन साइड में ऐसा झुक जाता था, उसकी वजह से कमर में भी दर्द होना लगा, उसकी वजह से कमर में भी दर्द होने लगा था। अभी तो फिलहाल इसका लंबर सपोर्ट अच्छा सा काम कर रहा है, शायद मैंने उल्टा लगाया है, मैं घुमा के उसको सीधा करता हूँ बाद में, अभी फ़िलहाल अच्छा है। हेड रेस्ट भी अच्छा है, मस्त आराम से। ये आर्म मैं जैसे चाहूँ वैसे हाइट डाउन कर सकता हूँ, हाइट ले सकता हूँ, अंदर भी आएगा ये और ये बाहर भी घूमेगा ऐसा, तो मैं अपने हिसाब से अपने पोजीशन से बैठ सकता हूँ। ठीक है, आप करो वीडियो को एंजॉय, मैं एक कचरा साफा करता हूँ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।